कुंफू पांडा 4 के बारे में। मैंने इस मूवी को हिंदी वर्जन में देखा और साथ ही साथ 3D में, तो कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस? देखो, बहुत दिनों के बाद किसी मूवी को मैं इतना ज्यादा एंजॉय किया भाई, हंस हंस के लोट पोट हो गया। 1.5 घंटे की ये मूवी बहुत ही ज्यादा मजेदार है भाई। इसके जो पंच लाइन है काफी ज्यादा कूल, और साथ ही साथ जो स्क्रीन में चल रहा है, एक सेकंड के लिए नजरें हटाने का मन नहीं कर रहा। सब चीज को देख के जो मजा आ रहा था भाई, बहुत ही अच्छा। और इसका एनिमेशन वर्क बहुत ही लाजवाब है, और साथ ही साथ जो ब्यूटीफुल शॉट्स देखने मिलते हैं, खास करके जो डेलाइट वाले सीन से, बहुत ही अच्छी एनिमेशन मूवी बनी है, जिसको फैमिली के साथ और बच्चों के साथ एंजॉय करना चाहोगे, बच्चों को काफी ज्यादा मजा आएगा। देखो, इसका तीनों पार्ट्स आपने देख के रखा है तो जाके चेकआउट करो, ये मूवी आपको बहुत ही ज्यादा सरप्राइज करेगी। देखो, स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा नया नहीं है, पर जो मजा और फन इसमें आपको मिलेगा वो काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मूवी है, जिसको देखने के लिए आपको बहुत ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। तो जाओ और इंजॉय करो, 3D में भी काफी अच्छी है। 3D में जो डेप्थ आपको देखने मिलेगा वो काफी बढ़िया, बहुत ज्यादा सीन उड़ के बाहर नहीं आते स्क्रीन से, पर जितना सारा डेप्थ आपको देखने मिलेगा काफी कूल है, खास करके डेलाइट वाले सीन में 3D काफी उभर के आती है। तो ये मूवी मैं 3D में देखा हूँ, अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इसको काफी मजा आया इस मूवी को देखते हुए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस मूवी को जाके देखो, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। मैं इसको 4 स्टार देता हूँ 5 में से। मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं इसी तरह के और रिव्यूज आपके लिए लाता रहूँ। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।